जैसा कि सभी को ज्ञात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो महत्वपूर्ण बैठकें साल भर में होती हैं, एक कार्यकारी मंडल, एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। अभी 12, 13, 14 मार्च को हरियाणा प्रांत के एक प्रकल्प है सेवा साधना एवं ग्राम विकास के पट्टी कल्याण समाल खा में वहां संपन्न हुई। प्रतिनिधि सभा में माननीय सरकार वाली गत वर्ष का संघ के विस्तार गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। उस वृत्त निवेदन में जो बातें आई हैं वो आपको विज्ञप्ति के रूप में भी दी जाएंगी, मैं मोटे रूप में उसको पढ़ के भी बता रहा हूँ। एक तो 2020 में कोविड काल में जो संघ का कार्य एक प्रकार से अवरुद्ध रहा, उसको वापस गति पर लाया गया है और बहुत तेजी से आगे भी बढ़ा है। तुलनात्मक दृष्टि से अपन देखेंगे 2020 में 38,913 स्थानों पर 62,491 शाखाएं लगती थी, ये नित्य की शाखा है। फिर यह मिलन लगती है जो साप्ताहिक लगती है, ऐसे 20,303 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन लगते थे। फिर मंडली चलती है, ये मासिक होती है। ग्रामीण क्षेत्र में 8,732 स्थानों पर मासिक मंडली चल रही थी। वर्तमान स्थिति जो है वो 2023 में यह बढ़कर 38,913 के स्थान पर 42,613 स्थानों पर हमारा काम प्रारंभ हुआ है और शाखाएं 62,000 से बढ़कर 68,651 हो गई। साप्ताहिक मिलन 20,303 से बढ़कर 26,877 हो गए और मंडलियां 10,412 हो गई। देश में 911 जिले हैं जिनमें से 901 जिलों में संघ का प्रत्यक्ष कार्य चलता है। कुल 66,663 खंड हैं, खंड यानी तहसील, संघ में उसको खंड कहा जाता है। और कुछ खंड हमने कार्य के विस्तार की दृष्टि से जो राजस्व तहसील नहीं है उनको भी हमने खंड घोषित कर रखा है। तो ऐसे खंडों में 88% खंडों में संघ का काम है। फिर खंडों को मंडलों में विभाजित किया गया है, 59,326 मंडलों में से 26,498 मंडल। अब चूंकि संघ 1925 में प्रारंभ हुआ था, 2025 आ रहा है, संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है, तो संघ ने यह लक्ष्य लिया है कि लगभग पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक समाज में संघ का काम 2025 तक पहुंचे। और इसलिए कुछ विस्तारकों की, कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, कुछ छुट्टी लेकर ऐसे 2 साल का पूरा समय घर छोड़कर जहां संघ कहेगा वहां जाकर संघ का काम करेंगे। ऐसे संघ के शताब्दी विस्तारक निकाले हैं, तो 1300 विस्तारक पूरे भारतवर्ष में निकल चुके हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में 215, मध्य प्रदेश को भी अगर अलग अलग देखेंगे तो मध्य भारत में 110, मालवा में 57, महाकौशल में 48 कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में निकल चुके हैं। ये संख्या भविष्य में और बढ़ेगी। कार्य विस्तार की दृष्टि से अगर और देखें तो एक संघ का ज्वाइन करने का एक तरीका ज्वाइन आरएसएस भी है। इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाती है ऐप में। तो 2017 से 2022 तक संघ में ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से 7,25,000 एप्लीकेशन आई और ये सब यूथ की है, युवकों की है, 20 से 25 वर्ष के युवक हैं जो समाज सेवा में भाग लेना चाहते हैं। उसमें उनकी रुचि पूछी जाती है, कार्य क्षेत्र पूछा जाता है, योग्यता पूछी जाती है। मध्य भारत की अगर चर्चा करेंगे तो इसमें इस वर्ष 2,925 आवेदन हमारे पास आए हुए हैं। संघ की 60% शाखा विद्यार्थी शाखा है। फिर प्रशिक्षण भी होता है, प्राथमिक प्रशिक्षण होता है, प्रथम वर्ष का होता है, द्वितीय वर्ष का होता है। पिछले एक वर्ष में
पूरे भारतवर्ष में 121,137 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगामी वर्ष में जो अभी हमारे प्रशिक्षण अप्रैल से प्रारंभ होने वाले हैं उसमें देश वर्ष में 109 शिक्षण वर्ग लगेंगे और 20,000 स्वयंसेवक इसमें शिक्षण प्राप्त करेंगे। ये शाखा की संगठनात्मक रचना है संघ की, जिसके माध्यम से हम व्यक्ति निर्माण करते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं और कार्यकर्ता तैयार होने के बाद फिर समाज में जाके समाज परिवर्तन का काम करता है। उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए, उनमें गुण संवर्धन बढ़ाने के लिए संघ में भी कार्यक्रम होते हैं। मध्य भारत प्रांत में 2-3 बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यद्यपि प्रत्येक विभाग में हुआ है, मैं 2-3 कार्यक्रमों का उल्लेख करूंगा जिसमें आप लोग सहभागी रहे। भोपाल में ही माननीय सरकारवा जी की उपस्थिति में शारीरिक प्रदर्शन हुआ था जिसमें 1834 लोगों ने दंड के, योग के प्रदर्शन किए थे। लगभग 19,000 नागरिक बंधु भगनी उसमें उपस्थित थे। उसमें घोष का भी कार्यक्रम हुआ था जिसकी अध्यक्षता पूर्व निर्वाचन आयुक्त माननीय ओम प्रकाशी रावत ने की थी। ऐसे ही भिंड जिले में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें पूर्व माननीय सरकारवा भैया जी जोशी मौजूद थे। उसमें भी दंड के अच्छे प्रयोग हुए, शारीरिक के अच्छे प्रयोग हुए थे। ब्यावरा में भी एक कार्यक्रम हुआ जिसमें अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख सुनील जी कुलकर्णी मौजूद थे। संघ केवल संगठन का काम नहीं करता, संगठन के द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग समाज परिवर्तन के लिए समाज सेवा का नियम करता है। इसलिए संघ की कुछ गतिविधियां भी चलती हैं, पर्यावरण की गतिविधि चलती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण है, जल संरक्षण है, प्लास्टिक फ्री है, स्वच्छता है, समस्ता का, जाति और जन्म के आधार पर समाज में ऊंच नीच का भाव समाप्त हो इसलिए संघ समरसता का भी काम करता है। परिवारों में संस्कारों का क्षरण हो रहा है, वर्जनाएं टूट रही है, बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में तनाव आ रहा है, इसके लिए कुटुंब प्रबोधन की भी गतिविधि काम करती है। तो संघ ने लगातार काम कर रहे हैं, पर इस बात तय हुआ है कि 4-5 क्षेत्रों में हमको 3 साल और तेजी से काम करना पड़ेगा। समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी, मतलब भारत में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग हो ताकि लोगों को रोजगार मिले और हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हो, हम दूसरों पर अवलंबित ना रहें, ऐसा स्वदेशी का आंदोलन। और एक जो भारतवर्ष में देखने को आ रहा है, भारतीय संविधान बनाते समय अध्याय 3 में सबको मौलिक अधिकार दिए गए। सामान्यतः कल्पना यह की जाती है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं और दुर्भाग्य से हमारे देश में अधिकारों पर ज्यादा जोर हुआ, कर्तव्यों की उपेक्षा हुई। बाद में 51A अनुच्छेद लाके संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया पर अभी भी उसका पालन नहीं हो रहा। तो संघ नागरिक अनुशासन, नागरिक कर्तव्य की तरफ भी आगे बहुत सक्रियता से काम करने वाला है कि हमको अपने देश की, समाज की व्यवस्थाओं का स्वतः पालन करना चाहिए। हमको कोई ट्रैफिक वाला रोक गए तब हम ट्रैफिक रूल का ब्रीच नहीं करेंगे, अपने आप हमको पालन करना चाहिए, चलने का, बोलने का, बात करने का, सामाजिक नियमों का, शासन के नियमों का पालन करना नागरिक सीखे, इस दिशा में भी हमको काम करना है। शाखा भी अपने स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही है। बहुत अच्छे उदाहरण देखने को मिले, एक उदाहरण मैं आपको भोपाल के ही बताता हूं। हमारी एक शाखा लगती है, उसने सेवा भारती के सहयोग से एम्स हॉस्पिटल में सार्थक सेवा केंद्र प्रारंभ किया। वहां स्वयंसेवकों ने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि लोग आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। कई बार गांव का आदमी आता है, जानकारी के अभाव में, साधन के अभाव में बहुत कष्ट होते हैं। तो वहां एक सेवा केंद्र खोला गया जिसको सार्थक सेवा केंद्र कहते हैं। फिर मरीजों को लाने ले जाने के लिए, डॉक्टर जाने के लिए वहां यद्यपि व्यवस्था है पर और भी व्यवस्था की कमी ना हो इसलिए व्हील चेयर, स्ट्रेचर की व्यवस्था भी की गई और वहां के डायरेक्टर से अनुमति लेकर 17 मई 2022 को कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 24 व्हील चेयर समाज द्वारा इस केंद्र को दान की जा चुकी है जिनका उपयोग होता है। 2 स्ट्रेचर भी इस केंद्र के पास है।
अभी तक 3,472 लोग इस सार्थक सेवा केंद्र से लाभान्वित हो चुके हैं। एम्बुलेंस भी एक रखी है समाज के सहयोग से, मां लाने ले जाने के लिए सार्थक सेवा केंद्र में एक एम्बुलेंस है। रक्तदान की भी सुविधा यह है, तो 26 व्यक्तियों को रक्तदान भी सार्थक सेवा केंद्र द्वारा दिया जा चुका है। उनके साथ आने वाले अटेंडेंस को परेशानी होती थी, वो रात के विश्राम कहाँ करें, तो एक रैन बसेरा बनाया गया है जिसमें सोने के लिए गद्दा, चादर, तकिया, रजाई निशुल्क 178 लोग वहां विश्राम कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था एक शाखा ने की है। इस प्रकार संघ की शाखाएं न केवल संगठन का काम कर रही है, समाज परिवर्तन का काम भी अपने अपने स्तर पर कर रही है। मध्य भारत प्रांत की मैं आपको संगठनात्मक स्थिति बताऊं, हमारे प्रांत में मध्य प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, महाकौशल, मध्य भारत और मालवा। पहले मैं अलग अलग बता देता हूं। मध्य भारत प्रांत में 2022 में 1,698 शाखा बनती थी, 2023 में बढ़कर वो 2,149 हो गई। मालवा में 2,618 स्थानों पर 3,977 शाखाएं लग रही है वर्तमान में। महाकौशल में 1,325 स्थानों पर 1,797 शाखाएं लग रही है। तो कोविड के पहले और 2019 की तुलना में भी हमारा काम न केवल पूर्व स्थिति को प्राप्त कर चुका है बल्कि आगे भी बढ़ चुका है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि संघ के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज परिवर्तन और समाज सेवा का भी काम करते हैं। राजगढ़ जिले में 80% गांवों का इस दृष्टि से सर्वेक्षण किया गया कि किन किन गांवों में जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर ऊंच नीच का भाव है, ताकि भविष्य में वहां समरसता के लिए काम किया जा सके, और उसके लिए सद्भाव और समन्वय बैठकों के आयोजन की योजना भी हुई है, कुछ बैठकें हुई भी है। ग्वालियर संघ के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, रोटरी क्लब है, जैन सोशल ग्रुप है, लॉयंस क्लब है, यूनिवर्सिटीज है, बाकी जितनी एनजीओज है, सबको साथ में लेकर ग्वालियर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का एक संकल्प लिया है। उसमें गोष्ठियां चल रही हैं, प्रदर्शनी चल रही है, होर्डिंग्स लग रहे हैं और जन जन से संपर्क करके पैम्पलेट बढ़ रहे हैं, कागज के थैले बना के बांटे जा रहे हैं, कपड़े के थैले बनाए जा रहे हैं। तो ग्वालियर अभी तक कपड़े की 50,000 से अधिक थैलियों का निःशुल्क वितरण ग्वालियर में किया जा चुका है। फिर जैसा आपको मालूम है, देश में इस समय 18 से 35 तक की उम्र के लगभग 29 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और आगे देखेंगे अपन तो ये संख्या 37 करोड़ तक पहुंच जाती है। इन सबको ना तो कॉरपोरेट में ना शासकीय नौकरियां देने की संभावना है। एक मोटा अंदाज ऐसा बताया जाता है कि शासकीय नौकरी नीचे से ऊपर तक कॉरपोरेट में मिला ली जाए तो 3-3.5 करोड़ रोजगार होते हैं कुल। तो स्वावलंबन, अपना रोजगार खड़ा करें, इसके लिए स्वदेशी आंदोलन के साथ स्वावलंबन कार्यक्रम भी चला गया है। आप लोगों ने देखा होगा, माननीय सरकार वाली आई थी पिछले महीने, मध्य भारत प्रांत के 16 स्थानों पर, जिलों में एक साथ रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना की है, जहां हमारे 2 स्वयंसेवक राउंड द क्लॉक बैठेंगे, उनके पारिश्रमिक की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और रोजगार केंद्र की आवश्यक जो साधन है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इसकी व्यवस्था संघ समाज के सहयोग से करेगा। 16 केंद्र चल रहे हैं और वो युवकों को शासकीय योजनाएं, इसमें नौकरी भी शामिल है और लोन भी शामिल है, इन सब के सामने क्या क्या योजनाएं हैं और उनकी क्या क्या औपचारिकताएं होती हैं, किस कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, किस डिपार्टमेंट से संपर्क करना पड़ेगा, आवश्यक हो तो वहां से बैंक में उस कार्यालय में भी जाएंगे, ऐसा एक काम शुरू कर। बाकी मध्य भारत प्रांत के अलावा मालवा प्रांत की जानकारी मैंने बता दी है,
क्योंकि इंदौर में और जबलपुर में अलग से वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, इसलिए बाकी विस्तृत जानकारी अभी यहाँ देने का उचित नहीं है, बड़ी जानकारी मैंने आपको दे दी। एक प्रस्ताव भी संघ में कभी कभी देश की समस्याओं को लेकर, समाज की समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पारित होते हैं, और प्रस्ताव पारित करने की पद्धति यह है कि जब तक डिस्कशन के बाद सर्वसम्मति नहीं होती तब तक उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता। क्योंकि ये अमृतकाल चल रहा है, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 47वें 100 वर्ष पूरे होंगे, तो संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वो प्रस्ताव इस तरह का है कि पिछले एक लंबे समय से हमारे देश ने विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने मूल स्वरूप, अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य, अपनी आस्थाओं, अपने चिंतन दर्शन के प्रति कुछ विश्वास में कमी आई है। जब तक हम अपने स्वत्व के आधार पर, अपने स्व के आधार पर रचना खड़ी नहीं करेंगे तब तक हम विश्व में अपना अलग से स्थान नहीं बना सकते। तो स्व जिसको लगातार चोट पहुंचाने की योजनाएं बनाई गई हैं, स्व के विस्मरण की योजनाएं बनाई गई हैं, स्व को विवादित करने की योजनाएं बनाई गई हैं, उन सब दुष्प्रचारों का खंडन करते हुए समाज में अपने स्वयं के जागरण के आधार पर इस देश को खड़ा करने का प्रयास किया जाए, इसकी अपेक्षा देश के युवकों से, देश की मीडिया से, देश के बुद्धिजीवियों से, संघ के और शेष समाज से संघ करने वाला है, लगातार कर भी रहे स्व के आधार पर, ताकि विश्व में भारत एक निर्णायक भूमिका स्थापित करने की स्थिति में आए, सशक्त भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने, दुनिया में जिसको सम्मान प्राप्त हो, ऐसा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। तीन वक्तव्य भी है, उसकी टॉपिक तो नहीं दी गई पर आपको उसमें इंटरनेट पर मिल जाएगा, क्योंकि तीन महापुरुषों की जयंतियां हैं, उनसे जुड़े हुए अवसर इस वर्ष आ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं जयंती के, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 2550 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनके संबंध में माननीय सरकारवादी ने वक्तव्य जारी किए हैं, और यथासंभव समाज में इनके जो भी कार्यक्रम होंगे से संबंधित संघ के लोग उसमें सहयोग करेंगे, उपस्थित होकर सहभागी भी रहेंगे। तो मेरी बात समाप्त हुई, आपके कोई प्रश्न हो?